सब्जियाँ अल्लाह तबारक व ताला की उन लाखों नेमतों में से हैं जो उन्होंने बनी नौ इंसान को अता फरमाई हैं। चंद सब्जियाँ ऐसी हैं जो कि पूरी दुनिया में ही बेहद शौक से खाई जाती हैं, जैसे कि आलू है। इसी तरह से बैंगन भी पसंदीदा तरीन सब्जियों की सफ़ में ही शामिल है। एशिया और ख़ास तौर पर अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो इसमें इस्तेमाल होने वाले अचारी मसाला जात भी अपनी खुशबू और लज्जत में बेमिसल हैं और जायके में लासानी होने की वजह से दुनिया भर में बेहद पसंदीदा भी हैं। आज आलू बैंगन और इन्हीं मज़ेदार अचारी मसाला जात की मदद से हम एक बेहद मुनफरिद और इंतहाई एरोमेटिक अचारी बिरयानी बनाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा और इस यूनिक मुनफरिद और बहुत ही डिफरेंट किस्म के कुकिंग एक्सपीरियंस को इंजॉय कीजिएगा। आइए अपने कुकिंग प्रोसेस का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो हमने एक काम किया था कि बासमती राइस हमें चाहिए थे 700 ग्राम्स। 700 ग्राम बासमती राइस को हमने धो लिया था, उसके बाद आधा घंटे के लिए भिगो दिया था और भिगोने के बाद 1.5 से 2 लीटर उबलते हुए पानी में 1 चाय का चम्मच हमने नमक का शामिल किया था और साथ ही जो है वो शामिल कर दिए थे बासमती राइस, जिन्हें हमने 70% तक बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद उन्हें वॉश किया, वॉश करने के बाद छलनी में डाला और थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर दिया। अब हमारे राइस जो है वो बिल्कुल तैयार है। उसके बाद चूँकि आलू बैंगन की बिरयानी है तो हमें आलू और बैंगन दोनों की सब्ज़ी भी चाहिए, तो इसके लिए हमें ऑबर्जिन यानी कि बैंगन चाहिए थे 500 ग्राम्स, जिनको हमने धो के खुश कर लिया है। और उसके साथ ही हमें 500 ग्राम्स आलू चाहिए थे, जिन्हें हमने पील कर लिया है और प्रॉपरली वॉश कर लिया है, वो भी ड्राई कंडीशन में हमारे पास मौजूद है। अब इन दोनों सब्जियों को हमने बारीक और लंबाई में काट लेना है और काटने के बाद एक काम करना है कि थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस लगा के एक छलनी में इन्हें रख देना है। अब हम एक कढ़ाही लेंगे डीप फ्राइंग के लिए, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाएगा, फ्लेम हमने मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना ना ही बेहद लो हो, ऑयल को गर्म करना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अपने आलू और बैंगन के कतले और साथ ही फ्लेम को हम कर देंगे हाई और 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। और डीप फ्राइंग है, टाइम टू टाइम हमें स्टर करते रहना है, मीडियम या लो फ्लेम नहीं करना। अगर फ्लेम मीडियम या लो होगा तो हमारी सब्ज़ी जो है वो गल जाएगी, सॉगी हो जाएगी, क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी। 7 मिनट्स के बाद हमारी सब्ज़ी डीप फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल कर एक तरफ रख रहे हैं। टेंडर और सॉफ्ट हो चुकी है हमारी वेजिटेबल। इसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें आधा कप स्लाइस प्याज है, 3 से 4 स्लाइस की हुई सब्ज मिर्चें हैं, चंद होल ग्रीन चिलीज हैं यानी साबुत सब्ज मिर्चें, 2 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन है, 2 टेबलस्पून कटा हुआ अदरक है, 4 से 5 लेमन है, 700 ग्राम कटे हुए टमाटर हैं और इसके साथ साथ हमारे पास 250 ग्राम जो है वो खुश्क आलू बुखारा है, ड्राइड प्लम, 1 कप के करीब कटा हुआ धनिया और पुदीना है। अब सबसे पहले हम 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज और 5 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। प्याज की फ्राइंग को 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं कटा हुआ लहसुन और कटा हुआ अदरक। अब मज़ीद फ्राई करेंगे, कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना है और साथ में ही हम ऐड कर रहे हैं 2 से 3 स्लाइस ग्रीन चिलीज। 2 मिनट के बाद हमने ऐड कर दिया है कटा हुआ लहसुन और कटा हुआ अदरक और साथ ही हमने ऐड कर दी है 2 से 3 स्लाइस ग्रीन चिलीज और अब कॉन्स्टेंटली स्टर करते हुए फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद। और अब ऐड करेंगे हम होल स्पाइसेस। सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं 2 से 3 तेज़पात, 4 से 5 बादियान के फूल, 3 से 4 पेटल्स हैं जावित्री की, 5 से 6 हैं स्याही इलायची, 3 से 4 हैं सब्ज़ इलायची, आधा चाय का चम्मच है साबुत काली मिर्च का, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 1/4 चाय का चम्मच कलौंजी यानी निगेला सीड्स का है, 1/2 चाय का चम्मच मेथी दाना, 1/2 चाय का चम्मच राई दाना है, 1/2 खाने का चम्मच जो है वो मोटी कुटी हुई सौंफ है, 3 से 4 लौंग है, 1 चाय का चम्मच खुश कसूरी मेथी है, 1 खाने का चम्मच धनिया है साबुत और 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा है। अब इन सारे मसाला जात को हमने ऐड कर दिया है, 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करते हैं और उसके बाद फिर बारी आएगी हमारे पाउडर स्पाइसेस की, लेकिन उससे पहले हमें शामिल करना है 1/4 कप पानी ताकि हमारे पाउडर मसाला जात जलने का ख़दशा ना रहे।
पानी शामिल कर रहे हैं और पानी शामिल करने के साथ ही हम ऐड कर रहे हैं 3 चाय के चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई स्या मिर्च और आधा चाय का चम्मच पिसी हुई सफ़ेद मिर्च जिसे हम दखनी मिर्च भी कहते हैं। इसके साथ ही ऐड कर रहे हैं 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। अब आप ऐड कर सकते हैं 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर या फिर 4 अदद चिकन क्यूब्स। तो चिकन क्यूब्स अभी हम ऐड नहीं करेंगे, हम टमाटर के साथ ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे पाउडर मसाला जात को और साथ ही ऐड कर रहे हैं 700 ग्राम्स कटे हुए टमाटर और टमाटर के साथ ही 4 अदद चिकन क्यूब्स। अब 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फ्लेम हमारा मीडियम ही है। तीन मिनट की फ्राई के बाद अब फ्राइड आलू बैंगन शामिल करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़े से फ्राइड आलू बैंगन हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। सब्जी हमने शामिल कर दी है, 5 मिनट की फ्राइंग इसे देंगे और साथ ही शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस और तकरीबन 100 ग्राम्स के करीब धुला हुआ खुश्क आलू बुखारा। मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए लिड लगाकर इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को भी लो कर देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा रहे हैं, ढक्कन हटाकर लेमन स्लाइसेस ऐड कर रहे हैं, ग्रीन चिली स्लाइसेस ऐड कर रहे हैं और होल ग्रीन चिलीज ऐड कर रहे हैं और साथ ही थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब वक्त है लेयर्स बनाने का। सबसे पहले हम अपनी तैयार सब्जी के 3 पोर्शंस बना लेंगे। एक भारी पेंदे का बर्तन हमें चाहिए है, उसको 2 खाने के चम्मच ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया है। चावल की एक लेयर बनाएंगे, वही चावल जो हमने सबसे पहले बॉईल करके रखे थे। इनके ऊपर तैयार सब्जी फैला देंगे, थोड़े से लेमन स्लाइसेस, कटी सब्ज मिर्च, धनिया पुदीना, खुश्क आलू बुखारा जो है वो इसके साथ फैला देंगे और कुचली हुई ब्राउन फ्राइड प्याज फैला देंगे। फिर से चावल की दूसरी लेयर बनाएंगे, इसके ऊपर तैयार सब्जी को फैलाएंगे, साथ ही खुश्क आलू बुखारा, धनिया पुदीना, कटी सब्ज मिर्च, कटे लेमन और फ्राइड प्याज शामिल कर देंगे। फिर से चावल की लेयर बनाएंगे, इसके ऊपर तैयार शुदा सब्जी फैलाएंगे और साथ ही खुश्क आलू बुखारा, धनिया पुदीना, कटी सब्ज मिर्च, कटे लेमन स्लाइसेस और फ्राइड प्याज भी ऐड कर देंगे। तीसरी लेयर भी इसी तरह से बनेगी और सबसे ऊपर हमें शामिल करना है 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस और उसके बाद तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल फैला देंगे चारों तरफ। अगर आप चाहें तो इन लेयर्स के दरमियान थोड़ा थोड़ा अचार भी शामिल कर सकते हैं। अब प्रॉपरली लिड के साथ और फॉइल पेपर के साथ हम इसको सील कर देंगे और अब हम दम लगाएंगे 35 से 40 मिनट का। सबसे पहले 5 से 7 मिनट के लिए हम फ्लेम को हाई करेंगे, उसके बाद फ्लेम को डेड लो पर सेट कर देंगे और उसके बाद जब हम दम हटाएंगे तो एकदम से इसको नहीं खोलेंगे, 5 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद खोलेंगे।
दम हटाने के बाद हमारी कलरफुल चटपटी बेहद मज़ेदार एक्सट्रीमली एरोमेटिक और सुपर न्यूट्रिशियस अचारी बिरयानी आपके सामने मौजूद है। इसमें सब्जियों की गज़ाइत भी शामिल है और अफादियत भी, अचारी मसाला जात की खुशबू और लज्जत भी। और ये इतनी खुशबूदार और इतनी लजीज बिरयानी है कि आप इसे खाने से खुद को कभी भी रोक नहीं सकते। और इसका प्लेटर देखने में इतना दिलकश है कि आप इसे जिस किसी को भी पेश करेंगे वो इसकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं पाएगा। आप इसे किसी भी रायते के साथ, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये इट्सेल्फ बेहद डिलिशियस है, बेहद एरोमेटिक है, इसका अपना फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो आप भी इस खुशबूदार, बेहद लजीज और कलरफुल वेजिटेबल अचारी बिरयानी को अपने घर पर बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए और हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिए। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी एरोमेटिक, डिलीशियस और सुपर टेम्पटिंग रेसिपी के साथ।